साक्षी शायद साक्षी ना हमें अभी न्यूज पढ़ाई हृदय हमारा विदीर्ण हो। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले और इसको देखकर खून ना खोले, वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और ये विषय जो है दिल्ली की एक घटना पर है जिसमें कि एक 16 साल की एक नाबालिग लड़की को, जिसका नाम साक्षी है, उसको साहिल ने ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करके मार डाला। तो ये घटना क्या है? दरअसल ऐसे तो लव जिहाद की तमाम घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस घटना का जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जो CCTV में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। वो इतना खौफनाक वीडियो है कि जो दिल्ली का मीडिया है, चूँकि घटना दिल्ली की है इसलिए भी तो दिल्ली में जो मीडिया है, दिल्ली NCR में जो मीडिया है, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, उनमें इस वीडियो को, इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। तो इस वीडियो में क्या दिखता है? इस वीडियो में दिखता ये है कि वैसे जो एक कोई लंबा धारदार वेपन होता है, कोई चाकू होता है, तो वैसे भी बहुत धार उसमें होती है कि अगर कोई हल्का भी चलाए किसी के ऊपर तो वैसे भी जानलेवा वार होता है। लेकिन इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक लड़का जो साहिल, जो 20 साल का है, वो 16 साल की लड़की साक्षी पर अपनी पूरी ताकत से, उस चाकू से जो है अपने पूरे शरीर का वजन डालकर पूरी ताकत से उस पर लगातार वार पर वार कर रहा है। लगभग 20 से ज़्यादा वार चाकू के किए और इसके बाद जो है उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस पत्थर को उस लड़की के सिर पर दे मारा। तो जब ये घटना सामने आई, जब ये वीडियो सामने आया, तो एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर उठ गया है और जो BJP है, खासकर जो दिल्ली BJP है, उसने ये आरोप लगाया है कि देश के अंदर गली गली में द केरला स्टोरी जैसी घटनाएँ हो रही हैं। लेकिन इसके बाद भी जो जिहादियों के समर्थक हैं और जो सेकुलर मीडिया है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो अभी भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझ नहीं रही हैं। तो ये मामला क्या है? ये तो एक दिल्ली पुलिस की, अगर माने रिपोर्ट की, तो दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि साक्षी और साहिल ये दोनों पहले से ही रिश्ते में थे और जब साक्षी ने जो है साहिल से बातचीत करने से इनकार कर दिया, तो इसके बाद साहिल ने जो है वो नाराज़ होकर के, गुस्सा होकर के जो है बहुत बुरी तरीके से उसका बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो घटना है, इसको जो आज तक न्यूज़ चैनल की मैं कवरेज देख रहा था, तो उस पर एक शम्स ताहिर खान है, तो वो वहाँ पर लाइव कर रहे थे, तो उन्होंने सारा फोकस जो है वो इस बात पर कर दिया कि जो लड़की थी उसको जिस तरह से मारा जा रहा था वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो आसपास लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उन लोगों ने उस लड़की को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। यानी कि जो मूल मुद्दा था लव जिहाद का, उससे भटकाने के काम में बहुत सारे जो एजेंडाधारी पत्रकार थे वो लगातार पहले भी लगे हुए थे और आज भी लगे हुए हैं, किसी न किसी बहाने से जो मूल मुद्दा है लव जिहाद का, उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो लड़का है, ये एक फ्रिज मैकेनिक था और अगर आप देखें तो जो आफ्ताब और श्रद्धा का जो केस था, उसमें जो आफ्ताब जो लड़का था, वो भी उसने जो है श्रद्धा के 35 टुकड़े कर करके श्रद्धा की जो मांस था उसको जो है उसने एक फ्रिज में बंद कर दिया था। तो ये जो घटना है, इसमें जो लड़का साहिल है वो भी एक फ्रिज मैकेनिक है, यानी कि एक फ्रिज मैकेनिक से जो है साक्षी का रिश्ता चल रहा था। और तो मित्रों, इस मामले में आज सुबह अखबारों में कई बड़े अहम इसमें खुलासे हो रहे हैं। साक्षी के दोस्तों से मिली जानकारी के मुताबिक साक्षी की साहिल के साथ पहले दोस्ती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने बात करना बंद कर दिया था और प्रवीण नाम के युवक से दोस्ती कर ली थी। और दैनिक जागरण ने एक और खबर लिखी है इसमें, और ये लिखा है कि जो महिलाएं हैं शाहबाद डेयरी थाना की, वो कह रही हैं कि प्रहलादपुर की जैन कॉलोनी में रोष है। उनका कहना है कि साहिल का परिवार 2 वर्ष से अधिक समय से यहाँ रह रहा है, कभी ऐसा नहीं लगा कि साहिल ऐसा बर्बर और हिंसक है। अब वे चाहते हैं कि साहिल और उसका परिवार कॉलोनी छोड़कर कहीं और चला जाए। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात सुनना साहिल को पसंद नहीं था। एक और बात यहाँ सामने आई है, शिवसेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी जो है वो पीड़ित परिवार के घर गए थे और उन्होंने दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा कि साहिल ने जघन्य अपराध किया है, ये लव जिहाद का मामला है। साहिल ने हाथ में कलावा बांध रखा था, लेकिन साक्षी की हत्या करते समय उसने कहा था कि वह पठान है, मुसलमान है। यानी कि आप सोचिए कि उसने जब हत्या की तो हत्या के वक्त जो है उसने ये कहा कि वो
पठान है और वो मुसलमान है, और वो एक तरह से अपनी जो पठानगिरी थी उसने वो चाकू मार मार के उस लड़की पर दिखा दी। चाहे द केरला स्टोरी फिल्म हो, जो कश्मीर फाइल्स फिल्म हो, हिंदूवादी संगठन हो, व्हाट्सएप हो, लगातार हर तरह से हिंदुओं को जागृत करने का, खासकर लव जिहाद के मुद्दे पे लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी शायद ये लड़की हर तरफ के जो सोर्सेस थे वहाँ से कटी हुई थी और ये अनजाने में शायद ये शिकार हो गई साहिल का। तो अगर जो ये साहिल जो है ये बुलंदशहर का रहने वाला शायद था, और जहाँ तक खबर ये आ रही है कि ये हत्या के बाद जो है फ़ौरन बुलंदशहर भाग गया था, तो जो दिल्ली पुलिस है उसने बुलंदशहर जा करके इसको जो है दबोच लिया है। तो साक्षी का कत्ल करने के बाद जो साहिल था वो बुलंदशहर भाग गया था और दिल्ली पुलिस ने उसको बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो तस्वीर उसमें साहिल के सामने आई है उसमें दिखा जा रहा है कि उसने अपने हाथ में एक कलावा बांधा हुआ है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये लड़का हिंदू बन करके जो है एक हिंदू लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लव जिहाद कर रहा था, और जब उसको साक्षी को ये जानकारी मिली कि ये लड़का एक मुसलमान है, धोखा दे रहा है, तो शायद उसने जब पीछे हटने की कोशिश की तो उसको फिर जो है इतनी बुरी तरह से बहुत क्रूरतम हत्या दी गई, हत्या उसकी की गई। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल भी, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, कई मित्र ये सवाल उठा रहे हैं, जैसे एक हमारे मित्र ने ये सवाल उठाया और मुझे मतलब कई लोगों के फ़ोन आया आज सुबह से, जिन लोगों ने इस घटना को देखा वो बहुत बिल्कुल बहुत दुखी हुए, उन्होंने कहा कि इस घटना पे आप कुछ बोलिए, कुछ कहिए। तो कई मित्र ऐसे जो अपने विचार रख रहे थे, उसमें एक मित्र ने अपना ये विचार रखा कि इस तरह के जो जिहादी लड़के होते हैं, जो ऐसे मुस्लिम लड़के होते हैं जो इस तरह हिंदू लड़कियों का कत्ल करते हैं, क्या कभी कोई इस तरह के समाचार आपने देखा कि कभी किसी मुस्लिम लड़के ने कभी किसी मुस्लिम लड़की को इस तरह बेरहमी से मारा हो, इस तरह क्रूरता से कत्ल किया हो? इस तरह की घटनाएं शायद आप नहीं देखते होंगे, लेकिन ये इस तरह के अपराध जो है सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ ही होते हैं। लेकिन बिल्कुल साफ साफ अगर कहा जाए तो इसमें जो है कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में माँ बाप की भी गलती होती है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस लड़की के जो माँ बाप हैं उनका जो बयान सामने आया है, तो उन बयानों में ये जो लड़की के माता पिता बिल्कुल साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि उनको इस बात की ज़रा भी जानकारी नहीं थी कि उनकी जो बेटी है उसका साहिल से कोई ऐसा रिश्ता था, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और उनका ये भी कहना है कि जो लड़की है साक्षी, वो अपनी किसी फ्रेंड नीतू के साथ में अलग रह रही थी और 15-20 दिन से वो अलग अपनी किसी के साथ रह रही थी। तो ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि कई माँ बाप जो होते हैं वो अपनी बेटियों को छोड़ देते हैं कि उनकी बेटियां जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ देते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पढ़ने के लिए दूर भेज दिया या उन्होंने कहीं किसी के भरोसे भेज दिया, और इसके बाद वो ध्यान नहीं रखते कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो ठीक ऐसे ही घटना यहाँ भी सामने आ रही है कि अगर बेटी के ऊपर ज़रा भी जो संरक्षण है माता पिता का अगर ज़रा भी हटता है तो इसका सीधा सीधा जो परिणाम है ये भुगतना पड़ता है उनकी बेटियों को। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमने इस केस में देखा है। और सब आपको कभी साक्षी ने बताया था कि साहिल के बारे में कि उसकी दोस्ती है या वो जानती है या उसका पीछा करता है, उसे परेशान कर, कुछ इस बारे में बताया था कभी? नहीं सर, नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। अक्सर आपको बताती थी अपने निजी जिंदगी के बारे में? सब कुछ पूछती, जो मुझे जो बेटा तू जो दिक्कत हो मुझे बता, बोली मम्मी मुझे जब कोई दिक्कत आएगी मैं तुझे पहले बताऊंगी, इतना बोली। फिर परसों एक दिन फोन करी, पापा आप किसी से लड़ाई करे हो? तो पापा बोले कि नहीं बेटा, मैं तो काम कर रहा हूँ, किससे मैं लड़ाई करूँगा। बोली एक भैया ने मुझे फ़ोन करके बोला कि पापा तेरे लड़ाई कर रहे हैं। तो पापा इसके बोले, बेटा ऐसा किसी को भड़काने पे ऐसे कहीं जाना मत कि अगर तेरे पापा वहाँ मार रहे हैं जाओ तो तू जो है वहाँ बचाने जा, ऐसा कभी मत करना। बोली हाँ पापा, इसी नाते आपकी मैं सलाह लेके पूछी पहले कि पापा ये हकीकत है कि झूठ है, इतनी बात उसने बोली। तो साक्षी आप लोगों के साथ में रहती थी या फिर वो कहीं और रह के पढ़ाई कर रही थी? नहीं, घर ही पे पढ़ाई करती, घर से स्कूल जाती थी, लेकिन इतनी देर स्कूल बंद है। अभी 10th के पेपर देख दिए थे और क्या बनना, वकील बनना चाहती थी? हाँ जी, अभी कल भी बात करी मैं वकील बनूंगी। तो नीतू के घर पे जा रही थी जब ये पूरा हादसा हुआ है, क्या नीतू को पता था साहिल के बारे में और साहिल कौन है? क्योंकि जिस तरीके से आया है, नाम उसका साहिल खान है लेकिन हाथ में कलावा बांधता है, क्या उसने कभी अपने नाम छुपा के, अपनी पहचान छुपा के साक्षी से मुलाकात की हो, उसके बारे में बात की हो? अब इसके बारे में सर मुझे नहीं पता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश की न्यायपालिका है वो बिल्कुल लचर है, कहें तो केसेस कभी सुलझते नहीं है। 50-50 साल तक जो है लोग जो है चौखटों पर न्यायपालिका की घिसते रहते हैं पैर, और उन्हें कभी कोई इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि अगर हम देखें तो जो आफ्ताब का मुंबई का जो बहुत ही फेमस केस है, एक बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल मैटर है, आफ्ताब और
का जो केस है, आफ्ताब श्रद्धा का जो केस मुंबई का है, उसमें आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए थे। तो 18 मई 2022 की घटना है जब आफ्ताब ने जो है श्रद्धा की हत्या की थी और फ्रिज में उसके टुकड़े रख दिए थे। अगर हम देखें तो जो पूरा ये केस है, इसमें जो लड़की श्रद्धा का जो मर्डर हुआ था वो 18 मई को उसका कत्ल हुआ था पिछले साल, और आज उस कत्ल को भी पूरे एक साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो उस केस में अभी भी चार्जशीट लगी है, सिर्फ कोई उसको सज़ा अभी तक नहीं सुनाई गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मामलों में अक्सर ये देखा जाता है कि जो दबंग होते हैं, जो आरोपी होते हैं या जो गुनहगार होते हैं, वो बड़े आराम से छूट जाते हैं। हमारी जो न्यायपालिका है उसकी व्यवस्था बहुत लचर है, हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, और यही वजह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होने की वजह से, अदालतें नहीं होने की वजह से जो है जो आरोपी होते हैं वो बड़े आराम से बरी हो जाते हैं। कई बार आरोपी जो होते हैं वो समय बीतने के बाद जब मीडिया का ध्यान वहाँ से हट जाता है, इसके बाद फिर जो है वो गवाहों को धमकाते हैं, इसके बाद वो सीसीटीवी कैमरे में भी क्यों ना घटना रिकॉर्ड हुई हो फिर भी वो बच जाते हैं। तो इस तरह की तमाम घटनाएँ होती हैं, और दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी वारदात हुई, लेकिन इसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट यहीं पर है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान लेगा? शायद मुझे नहीं लगता कि इस पर शायद कोई संज्ञान लेगा। इसी तरह से निकिता तोमर की भी हत्या हुई थी, अगर देखें तो वल्लभगढ़ में हुई थी हरियाणा में, लेकिन वहाँ पर भी सरेआम जो है निकिता तोमर को गोली से मार दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी उस घटना पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो लव जिहाद की तमाम घटनाएं हम अपने सामने देख रहे हैं, और ये लड़कियों को सावधान करने वाली घटनाएं हैं, ये सभी लोगों को सावधान करने वाली घटनाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग जो है वो आखिर समझ क्यों नहीं रहे हैं? इसकी मैं समझता हूँ कि जो मूल वजह है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरुकुलों का जो नष्ट होना है, यानी बच्चे जो कॉन्वेंट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कम्युनिस्ट माइंडसेट की जो शिक्षा पद्धति है, उसने जो है लड़कियों को और लड़कों को बिल्कुल जो है अपने राष्ट्रीय हितों से बिल्कुल भटका दिया है। और सरकार को चाहिए कि वो शिक्षा पद्धति में एक बहुत बड़ा बदलाव करे, बहुत व्यापक बदलाव करे, और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर जो है सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और अगर देखें तो कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इस घटना को बहुत संजीदगी से उठाया है, और उन्होंने इस पूरे मामले को कई डिबेट्स में भी उठाया है। तो मैं चाहता हूं एक बार आप उनका बयान भी सुनिए। आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के द्वारा जारी किया गया है दिल्ली का शाहबाद डेयरी का, कितना दर्दनाक, कितना पीड़ादायक है, कितनी निर्ममता से वो साहिल मार रहा है उस बिटिया को। नाबालिग लड़की है वो, दिल्ली पुलिस ने बताया है ये साहिल सन ऑफ सरफराज है जो मार रहा है, और वो एक नाबालिग हिंदू बेटी है जिसको इस प्रकार से गोदा जा रहा है, चक्कुओं से, पत्थरों से मारा जा रहा है, और भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था, अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी फेलियर है। अगर आप श्रद्धा का हत्यारा फांसी पे लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती, दो बार सोचता इस प्रकार से एक बिटिया को मारने से पहले। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है, बहुत शर्मनाक है। तो मित्रों कैसा लगा आपको वीडियो? आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।